आज का मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर का शोडाउन दो उड़ने वाले टाइटन के बीच है, फायर टीमर रोडान और जाइंट स्नेक वारपेट। कौन होगा इस फाइट का विनर, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं वारपेट की। वारपेट जिसे नजुकी कहते हैं, जिसका अपीयरेंस हुआ था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में, जो हालो अर्थ में रहने वाला जाइंट सर्पेंट जैसा दिखने वाला टाइटन है, जिसके पंख होते हैं, जिसका पंख लाल और पीले रंग का होता है, शरीर हरे रंग का होता है और जहरीले दांत होते हैं जिसकी लंबाई 800 फीट से ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं वारपेट के पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो दूसरे टाइटन के मुकाबले वारपेट के पास कम पावर्स और एबिलिटीज़ है। हाइट, वारपेट अपने पंखों की मदद से न सिर्फ चल सकते हैं बल्कि इसकी मदद से वह उड़ भी सकते हैं। वारपेट अपने पंखों का इस्तेमाल अपने दुश्मन का दम घोटने के लिए भी करते हैं। ड्यूरेबिलिटी, वारपेट इतने ड्यूरेबल है कि उन्हें मिसाइल से हमला करने पर कुछ नहीं हुआ था और वारपेट ने कॉन्ग के हमले को भी सर्वाइव किया है। स्पीड एंड एजिलिटी, वारपेट फास्ट और फुर्तीले होते हैं जो लड़ाई के दौरान बहुत ही फास्ट मूव कर पाते हैं और अपने बॉडी को मोड़कर अपने दुश्मन का दम घोटने की कोशिश करते हैं, जैसा कि कॉन्ग का कर रहे थे। स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट, वारपेट के जॉस इतने स्ट्रांग है कि व्हीकल को क्रश कर सकते हैं और अपने बॉडी की मदद से अपने अपोनेंट पर भारी पड़ सकते हैं, जो अपने शरीर का इस्तेमाल दुश्मन को मारने के लिए करते हैं, जैसा कि कॉन्ग को मारने वाले थे। वेनम, सभी वारपेट जहरीले होते हैं जो अपने पंखों के अंदर लगे ग्रंथियों से जहर छोड़ सकते हैं और उनके दांत भी जहरीले होते हैं। अगर बात करते हैं रोडान की, तो रोडान एक बड़े पंखों वाला टाइटन है जो गरुड़ जैसा दिखता है, जिसे फायर डीमन भी कहते हैं। रोडान को पहली बार मोनार्क द्वारा 1992 में मैक्सिको सिटी के आइसला डे मारा में ढूंढा गया था, जहां पर मोनार्क ने अपना आउटपोस्ट 56 बनाया। रोडान को ढूंढा गया था तब वह निष्क्रिय अवस्था में था, लेकिन किंग युद्रा के बाहर आने के बाद रोडान भी जाग गया था। अगर बात करते हैं रोडान के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो रोडान के पास है एडवांस स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट। रोडान अपने चोंच, पंख और नाखून को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसने कई फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया था और अपने पंख की मदद से उसे दूर और डिस्ट्रॉय कर सकता है। रोडान इतना स्ट्रांग है कि वह किंग युद्रा जैसे मॉन्स्टर से लड़ सकता है और उसने मोथरा से भी फाइट की है। सुपरसोनिक फाइट, अपने बड़े पंखों की मदद से सुपरसोनिक की स्पीड से उड़ सकता है। उसके पंख बड़े होने और तेज होने कारण साइक्लोन भी बनता है। उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि सिर्फ उड़ने से ही फाइटर जेट्स को तबाह कर सकता है। शॉकवेव, रोडान सिर्फ सिटी के ऊपर उड़कर पूरी सिटी को तबाह कर सकता है। रोडान के सिटी के ऊपर उड़ने से शॉकवेव बनता है, जिससे कि सिटी तबाह हो जाती है। यह शॉकवेव इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि लोगों के सांस, मलबे और कार्स को हवा में उड़ा देता है। ड्यूरेबिलिटी, ज्वालामुखी में कई दशकों से रहने के कारण रोडान की बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो गया है, जिससे कि रोडान को गन फायर और मिसाइल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब मोथरा द्वारा अपने पंजे से रोडान के सिर पर मारा जाता है, तो उसका हमला उसकी त्वचा को छेद करने में विफल हो जाता है। किंग युद्रा द्वारा ग्रेविटी बीम से मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ा था, जो सिर्फ उसके हमले से समुद्र में जाकर गिरा था। एडवांस स्टेमिना, दूसरे टाइटन के मुकाबले रोडान के पास ज़्यादा स्टेमिना है। उसकी बॉडी ज़्यादा देर तक फाइट करने के लिए एक्टिव रहती है। मैग्मा सिस्टम, रोडान के अंदर इंटरनल कंबस्टन सिस्टम है जो उसके पूरे बॉडी में बहती है, जिससे कि उसके शरीर का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब भी वह ज्वालामुखी के अंदर जिंदा रह सकता है। रोडान की बॉडी से मैग्मा निकलता रहता है, जो कि किंगुदर के पंख को भी जला सकता है। रोडान और वारपेट दोनों मास्टर वर्स के टाइटन से लड़ चुके हैं। रोडान ने किंग युद्रा से फाइट की है, जिसमें वह सिर्फ हार गया था। वहीं वारपेट ने कॉन्ग से फाइट की है, जिसमें वारपेट मारा गया था। अगर हम दोनों के साइज का तुलना करते हैं, तो रोडान 154 फीट ऊंचा है, उसका विंग स्पैन 871 फीट है। वहीं वारपेट 890 फीट ऊंचा है और उसका विंग स्पेस 300 से 350 फीट है। मेरे ख्याल से इन दोनों के साइज का इनके फाइट पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम इनके पावर्स और एबिलिटीज़ को देखते हैं, तो रोडान के पास ज़्यादा पावर्स और एबिलिटीज़ है वारपेट के मुकाबले।
वारपेट ने कॉम का सामना किया जिसमें वह कॉम को मारने वाला था, लेकिन मिसाइल्स के जरिए कॉम को बचा लिया गया, जिसके बाद कॉम ने वारपेट के टुकड़े कर दिया था और एक वारपेट को कॉम ने बड़ी आसानी से मार दिया था। वहीं रोडान का सामना जब किंग विद्रा के साथ हुआ था तो सिर्फ रोडान हारा गया था। ग्रेविटी बिल से मारने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ था और मोथा द्वारा चोट पहुंचाने के बाद भी ठीक हो गया था। तो रोडान के पास ड्यूरेबिलिटी का एडवांटेज है वारबैट के मुकाबले। अगर दोनों टाइटन आमने सामने हो तो फाइट करने के यहाँ दो सिचुएशन बनते हैं। पहला, दोनों उड़ते हुए फाइट कर सकते हैं। दूसरा, कि दोनों फ्लैट अर्थ में लड़ सकते हैं। पहला सिचुएशन की बात करते हैं। इस सिचुएशन में वारबैट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वह अपने बॉडी का इस्तेमाल करता है अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। हो सकता है कि वह अपने जहरीले दांत से रोडान पर हमला करे, लेकिन रोडान ज्वालामुखी के अंदर सरोई कर सकता है तो उसके पॉइजन से रोडान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं रोडान उड़ते हुए बहुत अच्छे से लड़ सकता है। वह अपने पंख, चोंच और नाखून का इस्तेमाल करता है हथियार की तरह, जिससे कि वह वारबैट के पंख को फाड़ सकता है और उसके बॉडी को डैमेज कर सकता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि कॉम ने बड़ी आसानी से वारबैट के टुकड़े कर दिया था। तो इस सिचुएशन में जीत रोडान की होगी। दूसरा सिचुएशन, जब दोनों फ्लैट अर्थ में फाइट करते हैं। इस सिचुएशन में वारबैट रोडान को जकड़कर दम घोटने की कोशिश कर सकता है, लेकिन रोडान का चोंच है जिसकी मदद से वह वारबैट के पंख को फाड़ सकता है। दूसरा, कि रोडान के पंख से लावा निकलता रहता है जो वारबैट के पंख को जला सकता है, जिसके बाद रोडान अपने चोंच और नाखून का इस्तेमाल करके वारबैट को डैमेज करके मार सकता है। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस दोनों सिचुएशन विनर रोडान होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप रोडान से रिलेटेड और भी शोडाउन देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.